नमस्ते गांधीधाम। अभी मैं यहाँ रोड से निकल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ लोकेशन है मेरी, ये सामने इंडियन ऑयल पंप से थोड़ी से पहले। ये आप देखिए, यहाँ पर स्थिति देखिए, ये ठीक है, ये रोड के बीच में ये हालत करके रखी है। और अभी मैं आपको एक लाइव एक्सीडेंट दिखा रहा हूँ, एक फैमिली थी दो बच्चों के साथ, आप देखिए इस गड्ढे की वजह से ये लोग यहाँ पे अभी गिरे हैं, आप देखिए। ये लाइव एक्सीडेंट है और ये सिर्फ सड़क जो खोद के रखी है और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, आप देखिए। और ये वो चीज़ है जो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हमारे आंखों के सामने घटी है। बाकी आप कुछ समझिए कि ये कितनी तकलीफ़ वाली बात है कि यहाँ खड्डे खोद के रखे हुए हैं और कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ ये यहाँ पर ब्लॉक रखे हुए हैं, ये जिनकी गिरे हैं उनकी चप्पल। अब आप बताइए इसमें किसका कसूर है। यहाँ लाइट स्पेशली बंद है जहाँ पर ब्लॉक रखे हुए हैं, आप देखिए। ये वन वे ट्रैफिक है इस तरफ से। अब ये यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति देखता है और देखने के बाद अगर गिरता है तो मुझे बताइए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे। सिर्फ पानी निकालने के लिए ही व्यवस्था की गई थी? ये इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं यहाँ पर, खोद के रखा हुआ है। आपको मैं लाइव एक्सीडेंट दिखा रहा हूँ, ये बीच में इतना बड़ा डिवाइडर है, आप देखिए। छोटी सी फैमिली है, दो बच्चे हैं और बच्चे और लेडी को इतनी खतरनाक लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस साइड लेनी है ना आपकी गाड़ी, आप देखिए उस साइड गाड़ी लेनी है। हाँ बताइए आप किसकी कसूर है इसमें।